इस साल राजस्थान के अंदर इलेक्शंस है और इलेक्शन से पहले राजस्थान में गहलोत सरकार ने लोगों को कुछ ऐसा देने का फैसला किया है कि आप कहेंगे मुस्कुराइए आप राजस्थान में है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार एक बिल लेकर आई है जिसे पारित कर दिया गया है और इसका नाम है राजस्थान मिनिमम गारंटीड इनकम बिल 2023, जिसके तहत राजस्थान के हर परिवार को 125 दिनों का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यानी हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है उसे कम 125 दिनों के लिए काम दिया जाएगा। मतलब यह हुआ कि न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की तरफ से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जबकि जो बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं या जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड हैं उन्हें कम से कम 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और सुनिए, पेंशन में हर साल 15% का इजाफा भी होगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार को इस पर करीब 2500 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने होंगे और ये अमाउंट हर साल बढ़ता जाएगा। अब देखिए, जो मनरेगा है उसमें सिर्फ ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने की व्यवस्था है, लेकिन मिनिमम गारंटीड इनकम के इनकम से अर्बन एरिया में भी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। न्यूनतम आय की गारंटी के अधिकार वाला पहला और अकेला राज्य बन रहा है राजस्थान। न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम के तहत अगर बेरोजगार लोगों को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें सरकार की ओर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र में सामाजिक सुरक्षा देना हर सरकार का कर्तव्य है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई एहसान करना नहीं है, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है, 100% सही। लेकिन मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि पार्टियों को चुनाव से पहले ही क्यों अपने दायित्व याद आ जाते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद तो किसी पार्टी को याद नहीं रहता कि वोट देने वाले से जरा पूछ लिया जाए कि उसे आर्थिक तौर पर सरकार से कोई मदद तो नहीं चाहिए। चलिए बहरहाल, चुनाव का बहाना ही सही, कम से कम राजस्थान में कांग्रेस ने कोई ऐसा कदम तो उठाया जिससे दूसरी पार्टियों को चुनौती मिले। वहीं कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आने वाले चुनावों से पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार ठीक उसी तरह लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में लोगों को लुभाया और जिसकी वजह से वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकी। अब कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में हर परिवार जो महिला मुखिया होगी वहां उसे गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। हर बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर को हर महीने 2000 रुपए, हर बेरोजगार ग्रेजुएट को 3000 रुपए मिलेंगे। हर महीने बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल मुफ्त मिलेगा। महिलाओं को राज्य में कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। जाहिर है ये सभी सुविधाएं बेहद खास है, लेकिन हर चीज की एक कॉस्ट होती है और इन सुविधाओं के लिए सरकार को हर साल खर्च करना होगा करीब 65,000 करोड़ रुपए, जो कि स्टेट के बजट का करीब 20% है। लेकिन क्या ये राज्य इतना पैसा खर्च कर सकता है? वैसे देखिए, जो भी हो, एक चीज अच्छी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच अब कंपटीशन बढ़ रहा है। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लोगों को कई सुविधाएं दी, उसी तरह उस तर्ज पर कांग्रेस ने भी कर्नाटक में लोगों को कई सुविधाएं देने का वादा इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में किया था और चुनाव के बाद अपना वादा पूरा भी किया। लेकिन आखिरकार फायदा तो जनता को ही मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, राजस्थान सरकार का ये फैसला कितना अच्छा है और क्या मिनिमम गारंटीड इनकम देश में सभी के लिए होनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।